80 फीट गहरे बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना से लेकर प्रशासन तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। ताज़ा जानकारी ये है कि टनल बनाने के दौरान एक बड़ी चट्टान सामने आ गई है। हालांकि अफसर बच्चे करीब पहुंचने की बात कह रहे हैं। बीते 90 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा अफसर और कर्मचारी जुटे हैं। जिला कलेक्टर ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जानकारी दी कि हम बच्चे के बहुत करीब हैं। ये अभियान राहुल, ऑपरेशन राहुल 80 घंटों से निरंतर जारी था और शायद हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हम सबके चेहरे पे शीघ्र ही मुस्कान हो पाएगी, आ पाएगी, उस स्टेज पे हम आ चुके हैं। शाम को जब डॉक्टर्स ने चेक किया है, मॉनिटर से चेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा था, तो पहले से बेहतर कंडीशन में गया था, बट वीकनेस उसके अंदर है। तो यही बात है कि हम उसको जल्दी जल्दी वहाँ से निकाल के जो ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है, हेल्प है, उसको देना चाह रहे हैं। पूरा प्रदेश राहुल साहू की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। मुख्यमंत्री इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, परिजन से बात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल को बाहर निकालने के लिए सेना, NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। रोबोटिक मशीन से भी कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद ड्रिलिंग मशीनों से खुदाई का काम जारी है। इसके लिए लगभग 20 फीट की टनल बनाना था जो करीब करीब पूरा होने वाली है। पूरे ऑपरेशन को लेकर जिले के SP विजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में कई सारी क्रिटिकलिटीज़ थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ऑफिसर को लगाया गया जो बेहतर सेंसिटिव हैं और जो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और जो लंबे समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है। और लगभग 150 के आसपास ऑफिसर इसमें लगे, ऑफिसर और कर्मचारी, और सभी ने मुस्तैदी से ड्यूटी किया है। इसको सिर्फ ड्यूटी के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में इस पूरे कार्य को अंजाम दिया है और उम्मीद है कि राहुल को हम सकुशल निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। ऑपरेशन में जुटे एक्सपर्ट मान रहे थे कि ये काम करीब 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन चट्टान के आने की वजह से नई समस्या आ गई है। कोशिश होगी कि आज उम्मीदों का मंगल पूरा हो जाए और राहुल सकुशल बोरवेल से बाहर निकल आएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरित गाँव का 11 साल का राहुल साहू शुक्रवार दोपहर को खेलते खेलते घर के पीछे बोरवेल में गिर गया था। राहुल के पिता राम कुमार साहू ने घर की बाड़ी में बोरवेल खुदवाया था। बोरवेल फेल होने पर उसे खुला ही छोड़ दिया गया। इसी बोरवेल से राहुल को निकालने का काम जारी है। अब अंत में आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में कितने और किस स्तर के अधिकारी कर्मचारी जुटे हैं। टीम में जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र सिंह शुक्ला, SP विजय अग्रवाल के साथ 4 IAS अधिकारी, 2 IPS अधिकारी, 1 ASP, 2 डिप्टी कलेक्टर, 5 तहसीलदार, 4 DSP, 8 इंस्पेक्टर सहित रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर की बचाव दल की टीमें जुटी हैं। पुलिस के करीब 120 जवान, 32 NDRF के, 15 SDRF के और सेना के जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन के 500 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी की टीम गांव में ही डेरा डाले हैं। इसके अलावा आपात चिकित्सा, फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग का अमला भी मौजूद है।